हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरी चैनल दीप्ति मिश्रा किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वर्ल्ड फेमस मखाना करी की रेसिपी, और ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि यकीन मानिए आप इसे बार बार ज़रूर बनाएंगे। चाहे आपने कभी भी रेस्टोरेंट या किसी भी हलवाई के यहाँ खाई होगी, पर उससे भी ज़्यादा ये सब्जी आज टेस्टी बनने वाली है। तो बिल्कुल वैसे ही आप भी फॉलो करिएगा और यकीन मानिए आपकी सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनेगी और सभी आपसे इस रेसिपी को ज़रूर पूछेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खाली पैन ले लेंगे और अब हम थोड़े से मसाले ड्राई रोस्ट करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 हरी इलायची ले लिए, इन्हें मैंने छील लिया है, इन्हें भी पैन में डाल देते हैं। और उसके साथ ही एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ले लिया है मैंने। 4 लौंग ले लेंगे, 10 से 12 दाने काली मिर्च के हैं। तो सभी मसालों को हम लगभग 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेंगे। लगभग 2 मिनट के बाद मसाले अच्छे से भून गए हैं और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और मसालों को पैन में से निकाल लेते हैं। अब हम फिर से खाली पैन ले लेंगे और मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब मखाना ले लिए हैं और ये 50 ग्राम है, इन्हें भी हम पैन में डाल देंगे। तो मखाने को लगभग 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इससे मखाने काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं और जब हम इनको ग्रेवी में डालते हैं उसके बाद वो फिर दांतों से नहीं चिपकते हैं। तो मखाना करी के लिए मखाने को पहले अलग से रोस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। लगभग 5 मिनट के बाद मखाने अच्छे से भून गए हैं, तो इस तरीके से आप इन्हें चेक कर सकते हैं, तोड़ के देख लीजिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये टूटने लगा है। तो मखाने रेडी हैं, गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मावा मखाना करी बनाने के लिए कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लेंगे और तेल को हम पहले अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो तेल जैसे ही गर्म हो जाता है सबसे पहले इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरा को अच्छे से चटका लेते हैं। जीरा अच्छे से चटक गया है, अब हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कट करके लिया है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हम इसको 2 मिनट के लिए ही भूनेंगे। और याद रखिए आपके गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच में होना चाहिए। तो लगातार चलाते हुए हम अपनी सारी सब्जी बना के तैयार करेंगे। लगभग 2 मिनट के बाद इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की हरी मिर्च ली है बारीक कट करके, और यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल देंगे। तो अब फिर से हम इनको लगभग 1 मिनट के लिए थोड़ा सा और भून लेते हैं। तो प्याज को ज़्यादा अगर आप नहीं भूनेंगे तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा आपकी सब्जी में। लगभग 2 मिनट के बाद इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर को पीस के इनका पेस्ट बना लिया था। तो टमाटर को भी हम अच्छे से पका लेते हैं जब तक कि इनके अंदर जो भी पानी है वो सही से जल नहीं जाता है। तो लगभग 3 से 4 मिनट के लिए ग्रेवी को थोड़ा सा और पकाएंगे, लगातार चलाते रहेंगे ताकि ग्रेवी तली पे बिल्कुल भी लगनी नहीं चाहिए। टमाटर को 5 मिनट पकाने के बाद अब ये अच्छे से पक चुका है और अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच हंकर डाल देती हूँ। तो हंकर जो है वो दही का क्रीमी टेक्सचर होता है और इसमें खट्टा पानी बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हंकर बनाने के लिए आप दही को बांधकर रात भर के लिए भी रख सकते हैं या फिर 4 से 5 घंटे के लिए रख दीजिए। तो इससे उसका जो भी खट्टा पानी होता है वो अलग हो जाता है और आपको हंकर मिल जाएगा, और इससे आपकी जो ग्रेवी है इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आएगा। तो अब हम इसको ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगभग 20 पीस बादाम के ले लिए हैं और इन्हें 1 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच तरबूज के बीज लिए हैं और 1 बड़ा चम्मच खरबूज के बीज लिए हैं। तो तरबूज के बीज जो हैं वो थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं और खरबूज के बीज ये इस तरीके के छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। तो अब इनको पीसने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, इन्हें भीगते हुए 1 घंटा हो गया है। तो यहाँ पर जो ये बादाम हैं इनके अब बहुत ही आसानी से के भी हटाए जा सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से।
तो ये देखिए इस तरीके से सारे बादाम छील के तैयार कर लेंगे और इनके अंदर जो भी पानी पड़ा हुआ है उसे भी हम हटा देंगे। अब ले लेंगे मिक्सी का पॉट और डाल देते हैं इसमें तरबूज और खरबूज के बीज, छिले हुए बादाम भी डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे ये अच्छे से पिस जाएंगे। तो इनका एकदम फाइन पेस्ट बना के मैं तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए पेस्ट बना के मैंने एकदम तैयार कर लिया है और आप भी कुछ इस तरीके से एकदम फाइन पेस्ट ही बनाइएगा। तो इधर ग्रेवी को पकते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं, तो जो पेस्ट बना के तैयार किया है वो सारा हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं पॉट में आधा कप एकदम गर्म पानी ऐड कर देती हूँ और इस गर्म पानी को ग्रेवी में डाल देंगे। अब इस ग्रेवी को बहुत ही अच्छे से पकाना है और ग्रेवी में गर्म पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। ठंडा पानी अगर आप ग्रेवी में डाल देते हैं तो उससे कुकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्लो भी हो जाता है और मसाले अच्छे से नहीं पक पाते हैं, ऑयल भी अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पाता है सब्जी में से। तो अब हम ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे। तो इस तरीके से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस अपनी सब्जी में आप नहीं करिएगा, वैसे ही बनाइए जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो ग्रेवी को यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए थोड़ा सा और पका लिया है और अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं। तो ये वही मसाले हैं जो कि हमने भून के तैयार किए थे, इन्हें मैंने पीस लिया है। आधा बड़ा चम्मच मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देती हूँ और यहाँ पे यह है कसूरी मेथी, इसे भी हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये गर्म पानी ले लिया है, 1 कप हम इसमें गर्म पानी ऐड कर देते हैं। तो ग्रेवी में जब भी आप पानी ऐड करेंगे, पानी आपका एकदम तेज़ गर्म होना चाहिए जिससे आपकी कुकिंग का प्रोसेस स्लो ना हो, एकदम वैसा ही रहना चाहिए जैसे कि चल रहा है, वरना आपकी सब्जी को बनने में और भी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो पानी गर्म ही ऐड करना है। तो सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैंने 1 कप फ्रेश मटर ली है और इसे मैंने पहले ही उबाल के रेडी कर लिया है, तो ये 100 ग्राम है, इसे हम कढ़ाई में ऐड कर देते हैं। और उसके बाद मखाने डाल देते हैं। और उसके बाद 1/2 कप मावा डाल देंगे, ये 50 ग्राम के करीब है। तो इस तरीके से तोड़ तोड़ के हम इसमें डाल देते हैं। तो सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे। तो मावा मखाना करी ऑलमोस्ट हमारी बनके तैयार हो गई है, पर जब तक ऑयल रिलीज नहीं हो जाता है तब तक हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। तो पूरे 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए सब्जी को खोल के चेक कर लेते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि ऑयल भी हमारा अच्छे से रिलीज हो गया है और मावा मखाना करी बनके अब एकदम तैयार है। लास्ट में फिर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, इसे मैंने पहले ही तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। और उसके बाद इसमें किचन किंग मसाला डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच। तो मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये रेसिपी बनके एकदम तैयार है, तो इसे गर्मा गर्म मैं सर्व कर लेती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मावा मखाना करी बनके एकदम तैयार है। आप इस रेसिपी को अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल दीप्ति मिश्रा किचन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।